नमस्कार, एम आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के जरिए बताते हैं। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जो विश्व के जाने माने चिकित्सक हैं। आज उनसे हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द से जुड़ी परेशानियों के बारे में और जानेंगे जोड़ों के दर्द से आयुर्वेद के जरिए कैसे निजात पाया जा सकता है। तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी का। तो डॉक्टर साहब, आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द की, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जोड़ों का दर्द कैसे होता है और क्या होता है ये? जैसा कि जोड़ों का दर्द, हम आमतौर पे इसको मानते हैं आर्थराइटिस कह देते हैं जोड़ों के दर्द को। ये एक मेन प्रॉब्लम है हमारे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर। जोड़ों के दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। 40 साल की एज के बाद वैसे भी जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन माना जाता है। जोड़ों के दर्द का मतलब है कि ज्वाइंट्स के अंदर सूजन का आ जाना, वो किसी भी कारण से होता है। हमारे आयुर्वेद के अंदर 80 प्रकार के वात रोग माने गए हैं। वो सारे के सारे वात रोग जो हैं वो जोड़ों से भी रिलेटेड होते हैं। वात की जो पेन है वो 80 प्रकार की मानी जाती है। इसमें कुछ प्रमुख टाइप्स आ जाती हैं जोड़ों के दर्द में, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसी तरह से ओस्टियो आर्थराइटिस, गाउट, शियाटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ये कुछ मेन प्रमुख टाइप्स इसकी आ जाती हैं। तो इनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया गाउट के बारे में, तो गाउट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे गाउट क्या होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं। गाउट का मतलब होता है कि जब संधियों में बहुत तीव्र पीड़ा शुरू हो जाए और वो पीड़ा यूरिक एसिड के कारण हो, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण। हमारी बॉडी के अंदर DNA ब्रेक डाउन से एक सब्सटेंस बनता है जिसको यूरिक एसिड कहते हैं। किडनी के द्वारा वो फिल्टर होता है। जब ब्लड के अंदर उसकी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाए तो वो डिपॉजिट होने लग जाता है संधियों में। मेनली इसके जो लक्षण होते हैं वो ग्रेटर टो पे, मतलब पैर के अंगूठे के आसपास दर्द शुरू होती है या एंकल के आसपास दर्द शुरू होती है। मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर ये ऐसे ही रहती है इसकी पेन, पर बाद में या बहुत से लोगों के अंदर नी ज्वाइंट में, शोल्डर ज्वाइंट में या बाकी जगह पे भी ये पेन हो सकती है और इसकी पीड़ा बड़ी घातक होती है। वहाँ पे गांठे भी बनने लग जाती हैं या स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, और अगर इसकी ओर ध्यान ना दिया जाए तो धीरे धीरे यूरिक एसिड बहुत ज्यादा अगर बढ़ा रहे तो किडनी को भी डैमेज कर सकता है। डॉक्टर साहब, बात करना चाहेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, ये भी बहुत सुनने में आया है, तो जानना चाहेंगे ये क्या होता है और क्या लक्षण होते हैं इसके। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक बहुत ही प्रमुख टाइप मानी जाती है आर्थराइटिस के अंदर। मोस्टली ये लेडीज को होता है, पर दोनों को हो सकता है, जेंट्स को भी और लेडीज को भी। ये एक बहुत मेन टाइप है इसकी आर्थराइटिस की। इसके अंदर क्या होता है कि अर्ली स्टिफनेस होती है। मोस्ट कंप्लेंट जो मेनली यही कंप्लेंट रहती है लेडीज की कि डॉक्टर साहब, हम सुबह उठते हैं तो हमारी उंगलियों के जो जोड़ हैं वो खुलते नहीं हैं, या आटा गूंदने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसके बाद ये धीरे धीरे छोटे जोड़ों से स्टार्ट होकर के बाद में बड़े जोड़ों में फैलने लग जाता है। कई बार डिफॉर्मिटीज आनी शुरू हो जाती हैं, जो हड्डियाँ हैं वो अल्नर बोन की ओर मुड़नी शुरू हो जाती हैं, जिसको अल्नर डिफॉर्मिटी कहते हैं या अल्नर डाइवेशन कहते हैं। इसके अंदर भी नड्यूल्स बन जाती हैं, उंगलियों के अंदर गांठे बननी शुरू हो जाती हैं और अलग अलग ज्वाइंट्स के अंदर, नी ज्वाइंट के अंदर भी गांठ बन सकती है। तो पेशेंट की जब डिफॉर्मिटीज आती हैं, बोन्स टेढ़ी हो जाती हैं, तो पेशेंट का जीना बड़ा असहाय हो जाता है और कई बार वेट लॉस बहुत हो जाता है। हाँ, एक मेन चीज़ है इसमें, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है ज़्यादातर केसेस के अंदर, और इसको ट्रीट करना समय के ऊपर बहुत ही आवश्यक है। तो ट्रीटमेंट इसका एज अर्ली एज पॉसिबल होना। चीन से राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैडम जी, मेरे लिगामेंट टूटे, डॉक्टर में गया था, मेरे घुटने बहुत खराब है जी। हाँ, थोड़ा ऊंचा बोले प्लीज। तो सर, मैं अपने घुटने के दर्द है मेरे काफी दिनों से। घुटने की दर्द है आपको काफी दिनों से, और आपकी एज कितनी है? नमस्कार जी, आपकी एज कितनी है? 37 साल। तो आप एक, हाँ, आपको मैं एक टेबलेट नोट करवाता हूँ, एक रिमो DS के नाम से गोली आती है, रिमो DS की दो गोलियां सुबह दो शाम को लें। ये बहुत अच्छा योग है जिसमें सलक्की है, योगराज गुगल है और सिंहनाद गुगल और सुरंजन और केसर मिक्स है इसके अंदर। ये दो गोलियां सुबह शाम लें तो आपको अवश्य ही आराम प्राप्त होगा, 1 महीना तक लगातार। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है और किस तरह से की जाती है? ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी आमतौर पे घुटने के ज्वाइंट्स की, जिसको हम नी ज्वाइंट बोलते हैं, या हिप ज्वाइंट जिसको हम ये कुल्ले की हड्डी बोलते हैं, इसकी की जाती है। जब ये दोनों जोड़ों में से कोई एक जोड़ खराब हो जाता है, या कुल्ले का जोड़ खराब हो जाए या नी ज्वाइंट खराब हो जाए, तो इसमें डिफॉर्मिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि उसको ठीक करने का बिल्कुल कोई स्कोप ही ना बचा हो।
तब रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है। ये पार्शियल रिप्लेसमेंट भी हो सकता है या फुल नी रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। पार्शियल का मतलब है कि कुछ हिस्सा चेंज करना, और फुल का मतलब है कि पूरे का पूरा जोड़ चेंज करना। जैसे नी ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट में नीचे से दो बोन आती हैं, एक फिबुला और एक टिबिया, ऊपर से एक फीमर बोन आती है और बीच में एक पेटला बोन होती है। ये चार हड्डियां मिल करके पूरे का पूरा ज्वाइंट बनाती हैं, जो कि लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है पूरे का पूरा। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो क्या होता है डॉक्टर साहब, ये जानना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन मकसद होता है, इट्स ए डीजनरेटिव ज्वाइंट डिजीज। एज बढ़ने के साथ साथ ज्वाइंट के अंदर जो डीजनरेशन आती हैं, या सिनोवियल फ्लूइड जोड़ के अंदर होता है जो आपस में ज्वाइंट को घूमने में सहायता करता है, उसमें कमी आ जाती है। उसके कमी आने से ज्वाइंट आपस में घर्षण करता है और उससे पेन उत्पन्न होती है। ये सबसे डिफिकल्ट टाइप है जो कि ट्रीट करनी सबसे ज्यादा मुश्किल टाइप है, और अमूमनतः जो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ती है वो इसी के कारण करवानी पड़ती है। और समय रहते पेशेंट अगर हमारे पास आता है या हमारे सेंटर में आता है तो इस प्रॉब्लम से पूर्ण रूप से निजात पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि जोड़ों का दर्द बहुत ही कॉमन पाया गया है, जिसे आपने शुरुआत में भी कहा कि बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो किसने से उपचार करना चाहिए और किसने की सावधानियां जो है पेशेंट को बरतनी चाहिए, ताकि यदि शुरुआत हो चुकी है तो फिर ये जो बीमारी है आगे ज्यादा ना बढ़े। जोड़ों के दर्द के अंदर मेन है कि जब भी किसी को ज्वाइंट पेन हो वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाए जो कि इस फील्ड में हाईली क्वालिफाइड हो। अगर हमारे पास पेशेंट आना चाहे हमारे सेंटर में आ सकता है। तो इसके ऊपर मेन जो टेस्ट होते हैं आर ए फैक्टर या यूरिक एसिड सीआरपी वगैरह, इसके बाद इसका प्रॉपर उपचार कराए। अगर समय रहते इसका उपचार कराया जाए वो किसी भी टाइप का आर्थराइटिस हो वो कंट्रोल किया जा सकता है। ये मैं खास तौर पे बताता हूँ कि किसी भी टाइप का आर्थराइटिस अगर आयुर्वेदिक उपचार टाइम पे करवाया जाए 100% ठीक हो सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब का जानना चाहेंगे कि डाइट पर कितना कंट्रोल होना चाहिए यदि जोड़ों में डाइट के हुआ तो। बहुत ज्यादा महत्व है इसमें आर्थराइटिस के अंदर या जोड़ों के दर्द के अंदर। अगर डाइट ही पेशेंट की प्रॉपर नहीं होगी, ये सारी चीजें डाइट से ही संबंधित है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये आयुर्वेद में हम इसको आमवात के रूप से कहते हैं। आमवात का मतलब है कि अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको कि आम कहा जाता है आयुर्वेद के अंदर, अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारी बॉडी के अंदर वायु जिसको वात बोलते हैं उसके साथ मिलकर के जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको आमवात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसको कहा जाता है। अगर आम ही उत्पन्न नहीं होगा, अनडाइजेस्टेड फूड या हम जो खराब खाना बिना खाते हैं वही हम नहीं खाएंगे, अपनी आदत हम सुधार लेंगे, तो इस चीज से इस पे बड़ा इफेक्ट आता है और ये चीजें होती ही नहीं है। आप नोट करिए कि हमने अपनी बॉडी को एक डस्टबिन बना दिया। शादी के ऊपर आदमी जाता है, शादी के ऊपर आदमी जाके पहले 8-10 तरह के स्नैक्स खाता है, जैसे कि डस्टबिन हो, उसमें टिक्की भी डाल देता है, उसमें गोलगप्पे भी डाल देते हैं, उसमें चिल्ला या कुछ भी बना होता है वो डाल देते हैं। उसके बाद फिर खाना खाता है, खाने में भी जो 4-5 तरह की सब्जियां होती हैं जैसे डस्टबिन में डाली जाती हैं वैसे हर आदमी अपने शरीर के अंदर वो डाल लेता है। उसके बाद फिर स्वीडिश या आज की पार्टीज के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स या हार्ड ड्रिंक्स भी बहुत चलती हैं। ये सब चीज़ों का मिश्रण जो है जब जाता है आयुर्वेद के हिसाब से या हमारी इंडियन पैथी के हिसाब से, हिंदुस्तानी खाने के हिसाब से हम भोजन करते ही नहीं। जी डॉक्टर साहब, मेहर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहर सिंह जी, जानना चाहेंगे सबसे पहले कहाँ से बोल रहे हैं आप और आपका सवाल क्या है। हाँ जी, हाँ सर, बोलिए प्लीज। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना क्वेश्चन पूछे। हाँ जी, हाँ बोलिए मेहर सिंह। हाँ जी, हाँ, एक तो आप अपना ना आर ए फैक्टर और सीरम यूरिक एसिड टेस्ट कराएं। कई बार आर ए फैक्टर के कारण या यूरिक एसिड के कारण अगर पेन हो तो हम उनके कारणों का निवारण करके उसको ठीक कर सकते हैं। बाकी इन बिटवीन मैं आपको एक गोली लिखवाता हूँ, रीओस्टो के नाम से टेबलेट आती है, एक हिमालय कंपनी की है रीओस्टो। ये घुटने में जो सिनोवियल फ्लूइड आपके कम हो जाता है उसको भी बनाने में मदद करती है और लिगामेंट्स को मजबूत करती है, जोड़ को भी मजबूत करती है, जिससे आपकी पेन ठीक हो जाएगी। जी, तो हमारे साथ डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, और यदि आप भी स्वास्थ्य संबंधी कोई जानकारी चाहते हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी से तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर है इनके 01294177201 और 01294177208। 201 से लेकर 208 ये लाइन्स आपके लिए हैं, आप कभी भी पर्सनली डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी से बात कर सकते हैं। और यदि आप प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं तो लगातार हम स्क्रीन पर अपने फोन नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप प्रोग्राम में भी उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी हम डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी से जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
माता के, इसकी बेड़ियों को काटने के लिए कितने नेताओं ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, इसको आजाद किया। उन्हीं की गिनती में आजादी के बाद में देश को रखाने के लिए शहीद बीरेंद्र सिंह का भी नाम है। उन्होंने जो जाबाजी दिखाई है उसमें मेरे परिवार का ही नाम रोशन नहीं किया बल्कि मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का सिर ऊंचा किया है। अब नजरें हैं एशियाड पर। 45 देशों के बीच 42 खेलों में दांव पर हैं 476 गोल। और में हरियाणवी खिलाड़ी भी कॉमनवेल्थ में जो कहलाए थे हरियाणा की शान, ग्वांगझू में रखेंगे देश का मान। हरियाणा टू चाइना के सफर में जो करेगा दुश्मनों को ढेर, वही कहलाएगा एशिया का असली शेर। देखिए हरियाणा टू चाइना रोजाना रात 9:30 सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हमारे जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको प्रशिक्षण देकर मिलकर चलेंगे हम फील्ड में छोड़ें, और ताकि वो अपने काम को ठीक तरह से सही तरह से समझकर काम को करें और गांव का सही तरह से विकास हो पाए। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी द्वारा पंचायती राज पर तैयार किया गया विशेष कार्यक्रम देखिए हर बुध 5:30 सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश एम आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी और आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं आर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द की। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, हमने अलग अलग आर्थराइटिस के बारे में बात की है, तो जानना चाहेंगे आपसे कि आयुर्वेद में इन बीमारियों का क्या ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद में गाउट का, आर्थराइटिस का या जितने भी प्रकार के वात रोग हैं जी, इनका बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है। इवन ये माना जाता है कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अगर किसी पैथी में है तो वो आयुर्वेद में ही है। इसके लिए बहुत सी रेमडीज ऐसी आती हैं, गूगल आती है, सिलक्की आती है, योगराज गूगल, महायोगराज गूगल, और इसी तरह से आर्थराइटिस में सीनाथ गूगल या अरंड तेल, महावात विध्वंसक रस, इन सब चीज़ों को हर एक क्वालिफाइड फिजिशियन अपने अपने तरीके से इसको योग बना करके उपयोग में लाता है। और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कारगर हैं कि अगर पेशेंट समय रहते आ जाए तो 100% ठीक हो सकता है, अगर लेटर स्टेजेस में भी आए तो उसको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है। इसी तरह से स्लिप डिस्क के अंदर या और डिजीज जितनी भी हैं इस प्रकार की, उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा का बहुत बड़ा महत्व है। एक मैं नॉर्मल रूप से घरेलू नुस्खा बताता हूँ, जैसे हल्दी, आप एक पार्ट हल्दी का ले लें, एक अश्वगंधा का ले लें पार्ट, अश्वगंधा के चूर्ण का, और इसी तरह से सूखा हुआ धनिया और शुंठी चूर्ण, इन सभी चीज़ों को संभाग में मिला करके अगर आधा चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से लिया जाए तो ये सब प्रकार के वात रोगों में फायदा करता है। किसी भी प्रकार का वात रोग हो उसमें ये फार्मूला फायदा करता है। जी गुरुचंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बताइए अपना सवाल क्या जानना चाहते हैं। मैं कोहनियों में दर्द रहती है जी। कोहनियों में आपके पेन है तो आप दर्द रहती है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है भाई साहब? मेरी उम्र है कोई आइडिया, कोई 45 साल के करीब है जी। ठीक है जी, तो कोहनियों में आपके दर्द है, मैं एक तेल बता रहा हूँ, एक रीमो ऑयल आता है धन्वंतरी हर्बल्स का, श्री धन्वंतरी हर्बल्स का, ये स्पेशल ऑयल है कोहनी और नी ज्वाइंट के लिए। इसकी मालिश करिए रात को सोते समय, सिर्फ 1 या 2 मिनट तक मालिश करें, और इसके साथ में एक योगराज गूगल की 1 ग्राम की डोज सुबह शाम लें, योगराज गूगल 1 ग्राम सुबह शाम लें, तो कोहनियों में दर्द प्रॉपर आपका ठीक हो जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस की हम बात करें तो किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो आज के पोस्चर के स्टाइल से आती है, बैठने उठने का स्टाइल है, मेन युग कंप्यूटर का हो गया, लोग घंटों घंटों कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं या चेयर पे बैठे रहते हैं, तो इस कारण से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शुरुआत होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो हमारी रीढ़ की हड्डी जो शुरू होती है ऊपर के जो 7 मनके हैं इनको सर्वाइकल वर्टिब्रास कहा जाता है। इन वर्टिब्रास के अंदर स्पेस का कम हो जाना, इनका क्लोज हो जाना और उसमें किसी नस के ऊपर प्रेशर पड़ना, या जो वर्टिब्रास होते हैं एक डिस्क के ऊपर टिके हुए होते हैं। डॉक्टर साहब हम आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर, सुनील गर्ग हमारे जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। सुनील जी बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार भाई साहब।
ऐसे है, मैं अम्बाला शहर से सुनील गर्ग बोल रहा हूँ। मेरी मिसेज के ना सिर में काफी दर्द रहता है। चलो, इसके लिए कब से है, कब से दर्द उनके? ये जी 3-4 साल से है, यानी जो गोली खा लेते हैं आराम हो जाता है, 3-4 दिन के बाद फिर सिर में मतलब ऐसे। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही रामवान औषधि बता रहा हूँ, पर कोशिश करें कि सिर में दर्द है तो एक प्लेन सीटी स्कैन जरूर करा लें सिर का, कि कोई अगर ग्रोथ है या कोई पैथोलॉजी है तो वो पता लग जाए। वैसे 99% सिंपल माइग्रेन या स्ट्रेस हेडेक होते हैं, पर एक सीटी स्कैन जरूर कराना चाहिए। और एक मेडिसिन बताता हूँ, पत्थे आदि कवाथ आता है सांडू कंपनी का, वो स्पेशल इसी रोगों के लिए है, इन्हीं टाइप के सिर दर्द के लिए है। पत्थे आदि कवाथ के 3 चम्मच सुबह, थोड़ा पानी मिला के 3 चम्मच शाम को, वो लगातार इस्तेमाल करें तो मेरे हिसाब से सिर्फ 15 दिनों में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जी, चीन से सीमा जी हमारे जुड़ चुकी हैं। सीमा जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं आप? सर, मुझे एक्चुअली छाइयां हो गई हैं 1 साल से। अच्छा जी, और एज कितनी है आपकी, एज कितनी है? जी मेरी एज 24 साल है। 24 साल। छाइयों के लिए एक तो आप अपना HB टेस्ट कराएं, कहीं आयरन की कमी तो नहीं है, आयरन या कैल्शियम की। और मेडिसिन आती है एक फेस केयर पाउडर आता है व्यास कंपनी का, फेस केयर पाउडर, इसके अंदर कुमकुम आदि तेल मिला हुआ, वो पाउडर मिक्स है कुमकुम आदि तेल का, और बहुत अच्छी हर्ब्स मिली हुई हैं। इसको 1 चम्मच दूध के अंदर थोड़ा सा पेस्ट बना ले पाउडर डाल के, वो पूरे के पूरे फेस के ऊपर जैसे फेस पैक लगाते हैं वैसे लगाएं, जब सूख जाए 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर, उसके बाद फेस को वॉश कर लें। ये नियमित रूप से इस्तेमाल करें तो आपकी छाइयां ठीक हो जाएंगी। और साथ में आप एक नवायस लो, एक टेबलेट आती है नवायस लो, इससे अगर आयरन या कैल्शियम की कमी है वो भी ठीक हो जाएगी। एक टेबलेट सुबह शाम उसकी लें तो ठीक हो जाएंगी आपकी छाइयां। जी डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द की, तो किस तरह की परेशानियां पेशेंट के सामने आती हैं और किस तरह से सही समय पर उपचार किया जाना चाहिए? मेन ये रहता है, सबसे मेन परेशानी है पेशेंट को दर्द होना। पेशेंट को इतनी भयंकर तीव्र पीड़ा होती है कि पेशेंट से वो सही नहीं जाती, उसके लिए वो पेन किलर्स का इस्तेमाल करता है, और फिर टीवी के ऊपर एड्स देखता है वो, कि हरी पन्नी वाली गोली या लाल पन्नी वाली गोली, अलग अलग तरह की एड्स आती हैं टीवी के ऊपर, वो एड देख करके वो पेशेंट जो है